हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम चैनल पर क्रैक ऑल बैंक एंड इंश्योरेंस दस टॉप एडुकेटर क्वालिटी कंटेंट एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम है रवि प्रताप कर मेरे पास कुल नौ सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा चुका हूँ सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल में एक लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है आपके लिए मैंने बनाया टेलीग्राम चैनल आप इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं जहाँ के एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे बैंक सब्सक्रिप्शन की जहाँ तक बात करें अगर आप एक सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसके लिए फी है टोटल छह हजार और दो सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसके लिए फी है टोटल बहत्तर सौ रुपए लेकिन जैसे आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे आरपी के टेन तो आपको टेन परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा यानी कि एक साल के लिए जहां तक फी थी छह हजार वहां लेंगे पांच हजार चार सौ और दो सालों के लिए जहां पर फी थी बहत्तर सौ रुपए वहां लेंगे छह हजार चार सौ अस्सी तो मेरा रेफरल कोड आप लोग जरूर याद रखियेगा आरपी के टेन अपने सारे दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है सब लोग लाइव आ जाएं जल्दी से आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है तेरह दिसंबर सोलह दिसंबर सत्रह दिसंबर बीस दिसंबर और इक्कीस दिसंबर शंभुनाथ मेहता जी वेरी गुड इवनिंग हैदर जी गुड इवनिंग तो क्वेश्चन है इंटरनेशनल ह्यूमन डे डे इज़ ऑन यानी कि मानव बीस तो दिसंबर, दिसंबर को कोविड नाइन्टीन महामारी के बीच वैश्विक स्तर पर लोगों के सामने आने वाले संकटों और चुनौतियों का सामना करने के लिए दोस्ती के मजबूत बंधन आवश्यक है मानव एकजुटता समुदाय में अस्थाई स्थिरता और सुरक्षा का आधार है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मानवीय एकजुटता की भावना सभी स्तरों पर सामाजिक रिश्तों में शांति ला सकती है अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन प्लेयर केट जैसिका केट जैसिका फूकू ने हैज बिन बैंड फॉर टू इयर्स फॉर एंटी डोपिंग वायलेशन फ्रॉम कंट्री यानी कि बैडमिंटन खिलाड़ी केट जेसिका फूकने उल्लंघन के लिए दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है वह किस देश से है पहला ऑप्शन है मालदीव दूसरा मॉरिसस तीसरा है चाइना चौथा जापान और साउथ अफ्रीका हाँ सब लोग सेशन को लाइक शेयर से, से, कर दो तो क्वेश्चन है कि बैडमिंटन प्लेयर केट जैसिका बैंड फॉर इयर्स फॉर एंटी डोपिंग वायलेशन सीज कंट्री आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा मॉरिसस यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिटेशन फॉर सपोर्ट्स ने मॉरिसस के बैडमिंटन खिलाड़ी केट जेसिका फूकुने केट जेसिका फूकुने को डोपिंग रोधी उल्लंघन के लिए दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है मॉरीशस की बात करें तो कैपिटल इसकी है पोर्ट लुइस और करेंसी है मॉरीशियन रुपी प्राइम मिनिस्टर है कौन तो प्रविंद जगुनाथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय अमेरिकी राजाचारी के स्पेस एक्स क्रू थ्री मिशन के अधिकारी के रूप में दुनिया भर में अंतरिक्ष स्टेशनों के लिए चुना गया है इसरो जाक्सा यूरोपियन स्पेस एजेंसी रोस्कोमस और नन ऑफ दिस तो। NASA and which space have आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी कि 43 वर्षीय राजा चारी अमेरिकी वायुसेना hmm. में कर्नल है वो स्पेस एक्स क्रू थ्री मिशन के कमांडर होंगे जो अगले साल लॉन्च होने की उम्मीद है नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय अमेरिकी राजा चेरी चारी को अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्पेस एक्स क्रू थ्री मिशन का कमांडर चुना है नेक्स्ट क्वेश्चन सेंचुरी अवार्ड ऑफ टू रतन टाटा रतन टाटा को सेंचुरी अवार्ड का चैम एंटरप्राइज किसने प्रस्तुत किया रामनाथ कोविंद नरेंद्र मोदी ओम बिड़ला वेंकैया नायडू और निर्मला तो क्वेश्चन है एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड ऑफ रतन टाटा रतन टाटा को सेंचुरी अवार्ड का एसोचैम इंटरप्राइज किसने प्रस्तुत किया है हम आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी अपूर्व शर्मा इसरो अपूर्व शर्मा ए नंबर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड प्रदान किया है जिसमें उन्हें पूरे टाटा समूह की ओर से पुरस्कार स्वीकार किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है परिश्रम पोर्टल हैज बिन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट परिश्रम पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है तमिलनाडु उत्तराखंड कर्नाटका मध्य प्रदेश और ओडिशा तो क्वेश्चन है परिश्रम पोर्टल बाय स्टेट गवर्नमेंट परिश्रम पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है तमिलनाडु उत्तराखंड कर्नाटक मध्य प्रदेश और ओडिशा शंभुनाथ मेहता जी डी नंबर शंभुनाथ मेहता जी ओडिशा क्वेश्चन है कि परिश्रम पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा यानी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई विभाग की बाईस ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया उन्होंने कहा कि पोर्टल और ऑनलाइन सेवाएं व्यवसाय करने में आसानी में सहायक होंगी राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी यह हुए प्रदो की टी की पहल की नींव है मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न श्रम कानूनों की जानकारी पोर्टल में उपलब्ध होगी ओडिशा की बात करें तो कैपिटल कहां भुवनेश्वर चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है तो गणेशी लाल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एएससीबी यूके से आईएसओ 9001 2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणन प्रमाणन प्राप्त किया है नेहरू जूलॉजिकल पार्क भारत के किस शहर में है चेन्नई न्यू दिल्ली मुंबई हैदराबाद और भोपाल तो क्वेश्चन है कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैज इंडिया चेन्नई न्यू दिल्ली मुंबई हैदराबाद और भोपाल तो बताइएगा जल्दी से फटाफट इसका आंसर क्या होगा नेहरू जुलॉजिकल पार्क भारत के किस शहर में है नेहरू जुलॉजिकल पार्क भारत के किस शहर में है पूर्व शर्मा जी डी नंबर हम आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद शर्मा हैदराबाद इसका आंसर क्या होगा हैदराबाद यानी कि नेहरू जोलॉजिकल पार्क हैदराबाद में अपनी मानक कार्य प्रक्रियाओं के साथ साथ ए एस सी बी यूके के आई 9001 नाइन थाउजेंड वन टू थाउजेंड फिफ्टीन गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणन प्राप्त किया है। है। हैदराबाद चिड़ियाघर आई एसओ नाइन थाउजेंड वन टू थाउजेंड फिफ्टीन गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर बन गया है। पीचिया विवेक जी हैदराबाद तेलंगाना की बात करें तो कैपिटल कहा हैदराबाद गवर्नर है -टी और चीफ के सी चंद्रशेखर राव नेक्स्ट क्वेश्चन एक विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए स्पेशल कैंपेन वरसात यानी किस राज्य सरकार ने एक विशेष अभियान वरसात शुरू किया है बिहार तमिलनाडु उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश और कर्नाटका तो आंसर फटाफट बताइएगा सब लोग क्या होगा क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने विशेष अभियान वर्सात शुरू किया है बिहार तमिलनाडु उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश और कर्नाटका पीछा विवेक हैदराबाद मेहता जी, यूपी शिवम निधि निधि गौतम वेरी गुड इवनिंग सी नंबर तो क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्पेशल कैंपेन यानी किस राज्य सरकार ने एक विशेष अभियान शुरू किया है बिहार तमिलनाडु उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश और कर्नाटका पीछिया विवेक हैदराबाद शंभुनाथ मेहता जी यूपी शिवम निधि निधि गौतम जी सी नंबर शंभुनाथ मेहता जी यूपी निधि गौतम वेरी गुड इवनिंग आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में राज्य ने सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया है ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधी समस्याओं को समाप्त करने के लिए यह अपनी पहली तर, अपनी तरह का पहला अभियान है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कैपिटल लखनऊ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर कौन है तो आनंदी बेन पटेल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर एस के सिंघल हैज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी ऑफ विच स्टेट यानी कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एस के सिंघल को किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड ओडिशा और वेस्ट बंगाल बताइएगा होगा सीनियर आईपीएस एस एसके सिंघल हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी ऑफ विच स्टेट यानी कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एस के सिंघल को किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड ओडिशा और वेस्ट बंगाल अपूर्व शर्मा जी बिहार क्वेश्चन है कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एस के सिंघल को किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है शंभुनाथ जी ए नंबर अपूर्व शर्मा ए निधि गौतम ए बिहार शंभुनाथ जी बिहार तो क्वेश्चन है कि सीनियर आईपीएस एस के सिंघल हैज अपॉइंटेड न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी ऑफ विच स्टेट आपको बता दें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा तो बिहार यानी कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एस के सिंघल को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया सिंघल 1988 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं वो अगले साल 31 अगस्त को सुपर नॉट करेंगे बिहार की बात करें कैपिटल पटना चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और गवर्नर फगू चौहान नेक्स्ट क्वेश्चन है ज इनोग्रेटेड द एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी इन हैदराबाद यानी कि हैदराबाद में उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किसने किया है नरेंद्र मोदी निर्मला सीतारामन राजनाथ सिंह पीयूष गोयल या एम वेंकैया नायडू जल्दी से आपको आंसर बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन है हु हैज इनग्रेटेड द एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी इन हैदराबाद हैदराबाद में उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किसने किया नरेंद्र मोदी निर्मला सीतारामन राजनाथ सिंह पीयूष गोयल या फिर एम वेंकैया नायडू पहला आंसर निधि गौतम जी ए नंबर विवेक जी राजनाथ सिंह पूर्व शर्मा मोदी तो क्वेश्चन है कि हैदराबाद में उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किसने किया है आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह राजनाथ सिंह यानी कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसको बोलते हैं डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर एपी अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की अपनी यात्रा के दौरान उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर के Arabic Language day, Observed globally on which day, कि अरबिक लैंग्वेज डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे यानी कि अरबी भाषा दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है छह दिसंबर दस दिसंबर उन्नीस दिसंबर अठारह दिसंबर या बीस दिसंबर तो क्वेश्चन है कि अरेबिक लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे अरबी भाषा दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है बताइएगा आंसर जल्दी से आप लोग पांच ऑप्शन है आपके पास पहला है छह दिसंबर दूसरा है दस दिसंबर तीसरा उन्नीस दिसंबर चौथा है अठारह दिसंबर और पांचवा है बीस दिसंबर तो क्वेश्चन है कि अरेबिक लैंग्वेज डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे पहला आंसर तो बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा एटीन दिसंबर अठारह दिसंबर यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को जिसको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन शिवम निधि मेहता जी डी नंबर 18 दिसंबर को हर साल विश्व अरबी भाषा दिवस के रूप में मनाता मना, है एक ऐसी भाषा का सम्मान करता है जो दुनिया भर के 290 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है विश्व अरबी भाषा दिवस अरबी और यूनानियों और रोमन जैसी प्राचीन सभ्यताओं के विज्ञान और दर्शन के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए निभाई गई भूमिका को याद करता है और यूरोपीय पुनर्जा पुनर्जागरण को जन्म देता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मिनिस्ट्री एफ हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ एन टी एच एम एन टी एच एम के स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति को किस मंत्रालय ने मंजूरी दी है फर्स्ट ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सेकंड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर थर्ड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फोर्थ ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फिफ्थ ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट शालेश सिंह जी डी नंबर शंभुनाथ मेहता जी बी नंबर तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच मिनिस्ट्री अप्रूव्स हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ एनडीएचएम यानी कि एनडीएचएम के स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति को किस मंत्रालय ने मंजूरी दी है पीचिया विवेक जी जी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर निधि गौतम बी जी बी नंबर नंबर सिंह तो क्वेश्चन था कि विच मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ एनडीएचएम आपको बता दे इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि हर्षवर्धन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनडीएचएम का मतलब है यहाँ पर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति को मंजूरी दी है ताकि योजना के डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर रोगियों के व्यक्तिगत डेटा की रक्षा और प्रबंधन किया जा सके हर्षवर्धन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन

फर्स्ट ऑप्शन है हांगकॉन्ग सेकेंड ऑप्शन है स्विट्जरलैंड थर्ड ऑप्शन है आइसलैंड एंड फोर्थ ऑप्शन है न्यूजीलैंड तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है इंडिया टू सेटअप ज्वाइंट टास्क फोर्स फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी कि भारत शैक्षणिक योग्यता के पारस्परिक मान्यता के लिए संयुक्त कार्य बल स्थापित करने के लिए पहला आंसर निधि गौतम जी बी नंबर शैलेश सिंह जी बी नंबर निधि गौतम यूके पीचिया विवेक जी डी नंबर शिवम निधि बी शंभुनाथ बी बी। मेहता जी बी नंबर शैलेश सिंह बी नंबर शंभुनाथ मेहता यूके तो क्वेश्चन था इंडिया टू सेटअप ज्वाइंट टास्क फोर्स फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यूके यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में नामित उच्च शिक्षा संगठनों ने से मिलकर एक संयुक्त टास्क फोर्स गठित करने के लिए सहमत हुए जो शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता की दिशा में काम करेगी इस संबंध में एक निर्णय में यहां निशंक और ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रॉव के बीच द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अप्रूव प्रूव नाइनटी पॉइंट सिक्स करोड़ टू लैंड पोर्ट्स ऑफ इंडिया फॉर न्यू आईसीपी इन स्टेट यानी गृह मंत्रालय ने किस में नए के लिए इंडिया को हैं। त्रिपुरा और मेघालय फटाफट आंसर बताइएगा सब लोग बी नंबर शंभुनाथ मेहता जी बी नंबर शैलेश सिंह बी शंभुनाथ मेहता यू के अच्छा पूछला क्वेश्चन का आंसर है इस क्वेश्चन का बताना गृह मंत्रालय ने किस राज्य के साथ आईसीपी लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नब्बे दशमलव छह करोड़ रुपए मंजूर किए हैं पहला आंसर निधि गौतम त्रिपुरा शंभुनाथ जी डी नंबर सायलेश सिंह ए नंबर आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा आंसर क्या होगा त्रिपुरा यानी कि गृह मंत्रालय शंभुनाथ जी त्रिपुरा गृह मंत्रालय ने दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबरूम में भारत बांग्लादेश सीमा के साथ एकीकृत एक चेक पोस्ट स्थापित करने के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नब्बे दशमलव छह करोड़ रुपए दी है त्रिपुरा की बात करें तो कैपिटल अगरतला चीफ मिनिस्टर विप्लव कुमार देव और गवर्नर कौन है तो रमेश बायस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर फाडा एस हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू ब्रिज डिजिटल स्किल गैप इन इंडिया ऑटो डीलरशिप फाडा ए फाड़ा डीसी ने भारत की ऑटो डीलरशिप में डिजिटल कौशल अंतर को पाटने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है फेसबुक टीसीएस रिलायंस इंडस्ट्री गूगल इंडिया और एमेजॉन इंडिया शिवम निधि डीडीडी नंबर सैलेश सिंह सिक्किम तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि फाडा एएसडीसी ने भारत की ऑटो डीलरशिप भारत की ऑटो डीलरशिप डिजिटल कौशल अंतर को पाटने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है यानी फाडा और एसडीसी हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू ब्रिज डिजिटल स्किल गैप इन इंडिया ऑटो डीलरशिप पालांसर निधि गौतम डी नंबर निधि गौतम गूगल शंभुनाथ मेहता जी डी नंबर आपको बता दे इस आंसर हो जाएगा गूगल इंडिया बहुत बढ़िया सोलह दिसंबर को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन एडी एफ डी एफ ए डी ए फाडा ने एक बयान में घोषणा किया कि ऑटोमेटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने देश के लिए एक ऑटो डीलरशिप के लिए डिजिटल कौशल अंतर को पाटने और अपनी क्षमता को बनाने के लिए गूगल इंडिया के साथ समझौता किया है महत्वपूर्ण विकास चालक प्रतिभा शर्मा जी डी नंबर शंभुनाथ मेहता जी डी नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च नाइन बिलियन डॉलर वैक्सीन इनिशिएटिव एपी वैक्स टू एट्स डेवलपिंग मेंबर यानी किस संगठन ने अपने विकासशील सदस्यों के लिए नौ बिलियन का वैक्सीन पहल एपी वैक्स शुरू किया है क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन नाइन बिलियन वैक्सीन इनिशिएटिव एपी वैक्स टू इट्स डेवलपिंग मेंबर यानी किस संगठन ने अपने विकासशील सदस्यों के लिए नौ बिलियन का वैक्सीन एपी वैक्स शुरू किया है पहला ऑप्शन में वर्ल्ड बैंक सेकेंड है एडीबी थर्ड है ए आई एनडीबी एंड फिफ्थ है एनडीबी विवेक जी एडीबी दूसरा आंसर गौतम बी नंबर प्रतिभा शर्मा जी बी नंबर निधि गौतम एडीबी शंभुनाथ जी बी नंबर शंभुनाथ एडीबी शिवम निधि बीबीबी आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 9 बिलियन डॉलर की वैक्सीन शुरू की है जो अपने विकासशील सदस्य व्यवस्थाओं को कोविड 19 वैक्सीन की खरीद और डिलीवरी के लिए सहायता प्रदान करेगी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर कहा है इसके? तो मंडा, मनीला में था और एशियन डेवलपमेंट बैंक फुल फॉर्म है और अभी प्रेसिडेंट कौन तो है नेशनल मैथमेटिक्स डे नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व ऑन विच डे यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है 19 दिसंबर 18 दिसंबर 20 दिसंबर 22 दिसंबर 20 22 और 23 दिसंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्वेश्चन आपके सामने है नेशनल मैथमेटिक्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है उन्नीस दिसंबर अठारह दिसंबर बीस दिसंबर बाईस दिसंबर और तेईस दिसंबर शंभुनाथ जी बाईस निधि गौतम डी नंबर निधि गौतम बाईस दिसंबर तो क्वेश्चन है कि नेशनल मैथमेटिक्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है उन्नीस दिसंबर अठारह दिसंबर बीस दिसंबर बाईस दिसंबर और तेईस दिसंबर निधि गौतम डी नंबर बाईस विवेक जी बाईस दिसंबर शिवम निधि बाइस बाईस प्रतिभा शर्मा जी बाईस प्रतिभा शर्मा डोंट यानी कहने का मीनिंग नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व ऑन विच डे इसका आंसर हो जाएगा टेन ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर यानी कहने का मीनिंग कि 22 दिसंबर को भारत के गणितीय प्रतिभा श्री निवास रामानुजम आप नाम सुने होंगे कि जयंती के उपलक्ष्य में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और इनके नाम पर एक पुरस्कार भी बांटा जाता है रामानुजम रामानुज तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में इसके साथ ही हम बता दें आपको कि मैथ्स में कुछ और अवार्ड मिलते हैं जैसे एबल अवार्ड गुजरमल अवार्ड ये सब सब के सब क्या है तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है यानी कि 22 दिसंबर को क्या था तो द ग्रेट मैथमेटिशियन श्री निवासन रामानुजम नेशनल मैथमेटिक्स डे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड ए वर्चुअल समिट विद ग्वेन जुआन फुक ग्वेन जुआन फुक ग्वेन जुआन फुक इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वेन जुआन फुक के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया यानी yani कहने का मनी क्या है क्वेश्चन है कि, कि ग्वेन जुआन फुक किस देश के प्रधानमंत्री हैं वियतनाम इंडोनेशिया केनिया मलाबी और मलेशिया तो क्वेश्चन का आंसर बताइए क्वेश्चन है कि गुवें जुआन फुक किस देश के प्रधानमंत्री हैं पहला आंसर शंभुनाथ जी वियतनाम निधि गौतम ए नंबर बियतनाम शंभुनाथ जी कैपिटल हनोई बेटा हनोई नहीं है कैपिटल इसकी ठीक है इसकी वियतनाम की कैपिटल बोल जहां वियतनाम की कैपिटल हनोई है

केंद्रशासित प्रदेश में करेंगे आसाम जम्मू कश्मीर दमन एंड दीव लद्दाख और उड़ीसा तो क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च सेहत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज ऑन 26 दिसंबर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को सेहत स्वास्थ्य बीमा का योजना का शुभारंभ किया है किस केंद्र शासित प्रदेश में करेंगे ऋषभ पटेल जी वेरी गुड गुड इवनिंग दिसंबर को सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किस राज्य शासित प्रदेश में करेंगे आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड काश्मीर फैजा राजपूत जी बी नंबर प्रतिभा शर्मा बी नंबर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को जम्मू और कश्मीर के लिए पीएम सेहत योजना का शुभारंभ करेंगे योजना शेष आबादी को कवर करेगी जो आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं की गई है यानी कि आयुष्मान भारत योजना में जो कवर नहीं हुआ है उसके लिए एक स्कीम लाया गया कौन सा सेहत यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो विंटर कैपिटल जम्मू समर कैपिटल श्रीनगर और गवर्नर कौन है यहाँ पर तो मनोज सिन्हा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडिशन ऑफ इंडिया जापान संवाद कॉन्फ्रेंस 2020 थाउजेंड ट्वेंटी ऋषभ पटेल जी ऊपर देखते हैं तो हमारे ऊपर में एक, एक, एक स्क्रीन लगा होता है एक बड़ा सा स्क्रीन जिस पर कि हम आपका नाम देखते रहते हैं तो ऊपर देख के हम बोलते नहीं है आपका नाम पढ़ते रहते हैं ठीक है तो है तो क्वेश्चन हु हैज द एडिशन ऑफ इंडिया जापान संवाद कॉन्फ्रेंस टू थाउजेंड ट्वेंटी यानी कि भारत जापान संवाद सम्मेलन दो हजार बीस के छठे संस्करण को किसने संबोधित किया निधि गौतम ए नंबर पीछिया विवेक जी मोदी पटेल मोदी तो हम आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 20 दिसंबर 2020 को आयोजित भारत जापान संवाद सम्मेलन के छठे संस्करण को वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया सम्मेलन के दौरान पीएम ने भारत के पारंपरिक बौद्ध साहित्य और शास्त्रों की एक लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव रखा है इंडिया न्यू दिल्ली नरेंद्र मोदी रामनाथ कोविंद जापान की बात करें तो कैपिटल टोक्यो करेंसी है जैपनीज येन और प्राइम मिनिस्टर है योशी ही सुगा याद रखिएगा योशी हिदी सु नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज द स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 यानी कि वर्ष 2020 हजार की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी किसने जीती है फर्स्ट ऑप्शन है विराट कोहली सेकंड ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो थर्ड ऑप्शन है लियोन मेसी फोर्थ ऑप्शन है लेविस हैमिल्टन एंड फिफ्थ ऑप्शन है रोजर फेडरर बादल सिंह जी सब लोग सेशन को लाइक कर दो जी 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 बहुत बढ़िया हां प्रोजेक्टर लाइक दैट सही है ऋषि पटेल जी पीछे विवेक डी नंबर तो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि वर्ष 2020 की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी किसने जीती है विराट कोहली क्रिस्टियानो रोनाल्डो लियोन मेसी डेविड लुइस हैमिल्टन या रोजर फेडरर तो पीछे विवेक जी डी नंबर निधि गौतम डी लुइस हैमिल्टन सब लोग आंसर बताओ फटाफट निधि गौतम लुइस ऋषभ पटेल जी हैमिल्टन क्वेश्चन है हु हैज वन द स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 यानी कि वर्ष 2020 की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी किसने जीती है ऋषभ पटेल हैमिल्टन बादल सिंह जी डी डी, डी, डी पूजा सिंह लुइस आपको बता दें लुइस या है ईयर का ताज गया जिन्होंने 2014 में पहली बार यह पुरस्कार जीता वो चार बार उप विजेता भी रहे हैं हाल ही में 2019 में ये है लुइस हैमिल्टन नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में तेंदुवे की स्थिति शीर्षक एक रिपोर्ट किसने जारी की है पीयूष गोयल प्रकाश जावड़ेकर रमेश पोखरियाल हर्षवर्धन रविशंकर प्रसाद क्वेश्चन है कि द स्टेटस ऑफ रिपोर्ट इन इंडिया 2018 यानी कि 2018 में तेंदुए की स्थिति शीर्षक से एक रिपोर्ट किसने जारी किया है पीयूष गोयल प्रकाश जावड़ेकर रमेश पोखरियाल हर्षवर्धन रविशंकर प्रसाद ऋषभ पटेल मर्सिडीज कार ड्राइव फ्रॉम ब्रिटेन बहुत बढ़िया ऋषभ पटेल बीबीबी नीति गौतम जी बी नंबर क्वेश्चन है रिपोर्ट टाइटल ऑफ लेपॉर्ड इन 2018 यानी कि 2018 में तेंदुए की स्थिति शीर्षक एक रिपोर्ट जारी किसने की है आपको बता दें प्रकाश जावेरकर यानी कि भारत 2018 तक देश के विभिन्न हिस्सों में फैले बारह हजार बावन तेंदुआ पैंथरा पार्ट्स का घर है जबकि इसके 2014 में सात के आसपास नोट किया गया दो में तेंदुए की स्थिति शीर्षक वाली रिपोर्ट 21 दिसंबर तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के लिए जारी की गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक ने भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम से सहयोग से संपर्क रहित डेबिट कार्ड रूपे सेलेक्ट का एक अनूठा संस्करण लॉन्च किया है यानी क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च यूनिक वेरियंट ऑफ कॉन्टैक्ट डेबिट कार्ड रूपे सेलेक्ट विद एसोसिएशन ऑफ नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया दो हजार रुपए तक पहले अमाउंट था कि आपको कार्ड स्वैप करने की जरूरत नहीं बस कार्ड को आप टच करिए और पैसा आपके अकाउंट से कट जाता था जिसको कि अभी आरबीआई ने क्या किया है दिसंबर दो में इस अमाउंट को बढ़ाकर कर दिया है पांच यानी कि आप बिना डेबिट कार्ड या एटीएम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड निकाले बिना पैसा कटवा सकते हैं बस उस मशीन के आप संपर्क में आइए जो पॉइंट ऑफ सेल है और आपके अकाउंट से दो हजार रुपया था जिसकी अभी अभी अमाउंट अमाउंट की जिसकी अभी को बढ़ाकर कितना कर दिया गया तो फाइव थाउजेंड ठीक तो पीछे विवेक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नाम का पाठक बीबीबी निधि गौतम सी नंबर सी का मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और क्वेश्चन तो है कि, कि किस बैंक ने भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम सहयोग से संपर्क रहित डेबिट कार्ड सेलेक्ट का एक अनूठा संस्करण लॉन्च किया आंसर होगा का सेंट्रल सेंट्रल बैंक 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 ऑफ 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 इंडिया 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 यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के 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 सहयोग से आ, बैंक इंडिया ने 21 दिसंबर को स्थापना दिवस रूपे बाकी आप जितना भी देखते हैं मास्टर कोई भी इंडिया की कंपनियां नहीं है बस भारत देश की एक ही कंपनी है कौन सी रूपे ठीक और इसको पेमेंट गेप गेट वे उपलब्ध कराता है एनपीसीआई जिसको बोलते नेशनल पेमेंट ऑफ इंडिया जिसकी चर्चा यहां पर की भी गई है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया और साथ ही साथ आपको बता दे रुपए कार्ड लॉन्च भी करने वाला इंडिया का पहला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ये स्पॉन्सर करता था बेसिकली बिहार में किसको तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को तो यानी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ने सबसे पहला रूपे लॉन्च किया था ठीक है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 21 दिसंबर को बैंक के स्थापना दिवस के अवसर पर संपर्क रहित डेबिट कार्ड रुपए सेलेक्ट का एक अनूठा संस्करण लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई दिनेश कुमार खारा इसके चेयरमैन है टैगलैन है द नेशंस बैंक ऑनर्स पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो क्या हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली एस एस मल्लिकार्जुन इसके एमडी और सीओ है सीओ मतलब क्या है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और एमडी होगा मैनेजिंग डायरेक्टर द नेम यू कैन बैंक अपॉन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो हेडक्वार्टर कहा मुंबई और चेयरमैन कौन तो है तो पल्लव महापात्रा बिल्ड बेटर लाइफ अराउंड इसका टैगलाइन है सेंट्रल कैनरा बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर कहा बैंगलोर टी एन मनोहरन टुगेदर वी कैन इसका टैगलाइन है बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो हेडक्वार्टर कहा मुंबई और जी पद्मनाभन इसके चेयरमैन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है दस तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है इंक्लूजन ऑफ फोर इंडिजीनियस गेम्स गटका गया। कलारी पट्टा और मलखम्ब इन खेलो इंडिया यूथ गेम इन uh, इंडिया हु इज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया खेल मंत्रालय ने भारत में खेलो यूथ गेम्स के चार स्वदेशी खेल पहला गटका दूसरा पट्टू तीसरा थांगता और चौथा मलखम्भ को शामिल करने की मंजूरी दी है भारत के वर्तमान में खेल मंत्री कौन है बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ठीक तो सीसीसी सी, सी, पीछे विवेक किरण रिजू देखते फटाफट किसका आंसर आता है ऋषभ पटेल किरण रिजू क्वेश्चन है द, खेल मंत्रालय ने भारत में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में चार स्वदेशी खेलों गटका कलारी पट्टू थांगता और मलखंभ को शामिल करने की मंजूरी दी है भारत के खेल मंत्री कौन है पहला ऑप्शन में सर्वानंद सोनेवाल दूसरा राजनाथ सिंह तीसरा जितेंद्र सिंह चौथा किरण रिजू और पांचवा राज्यवर्धन सिंह राठौर शिवम निधि विवेक किरण रिजू ऋषभ पटेल किरण शिवम निधि डीडीडी निधि गौतम डी नंबर ऋषभ पटेल स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजू अरुणाचल प्रदेश इनका क्षेत्र है किरण रिजू यानी खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में चार स्वदेशी खेलों को शामिल करने के लिए सरकार ने मंजूरी दी है खेल मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का हिस्सा बनने के लिए चार स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है खेल में शामिल है गटका पट्टू थांगता और गट का देख लो ये पंजाबी सिख लोगों का खेल है कलारपट्टू साउथ इंडिया का मलखम्ब बेसिकली हम बात करें तो हरियाणा और दिल्ली का और थांगता थांगता कहां का है तो नॉर्थ ईस्ट का यानी कि इन चार खेलों को जो है वो खेलो इंडिया के तहत यूथ गेम्स में शामिल करने जा रही है ऋषभ पटेल सोनेवाल हैं सीएम आसाम के हाँ आसाम के सीएम है अभी सर्वानंद सोनेवाल अमन कुमार ई नंबर तो क्वेश्चन है कि नेशनल फार्मर्स डे ऑब्जर्व ऑन विच डे राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है उन्नीस दिसंबर अठारह दिसंबर बीस दिसंबर बाईस दिसंबर तेईस दिसंबर बताइए क्वेश्चन का आंसर नेशनल फार्मर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है पीछिया विवेक पालांसर तेईस दिसंबर शिवम निधि ईईई नंबर तो क्वेश्चन था कि नेशनल फार्मर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे निधि गौतम ई नंबर तेईस दिसंबर अनुपराज ई गुड इवनिंग अनुप निधि गौतम तेईस दिसंबर अनुपराज तेईस दिसंबर क्वेश्चन है नेशनल फार्मर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा ट्वेंटी थर्ड दिसंबर ईसक पटेल ई नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किसानों को सम्मानित करने और देश के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय किसान दिवस या किसान दिवस तेईस दिसंबर को पूरे देश में मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बैंक हैज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनफाइनाइट इंडिया यानी किस बैंक ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनफाइनाइट इंडिया लॉन्च किया है आईडीबीआई बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आईसीआईसीआई बैंक इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक अनुपराज तेईस दिसंबर इसे पटेल ये नंबर पूजा सिंह तेईस पीछा विवेक आईसीआईसीआई बैंक यानी क्वेश्चन है कि विच बैंक हैज लॉन्च एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन फाइनाइट इंडिया किस बैंक ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन फाइनाइट इंडिया लॉन्च किया है

एक प्लस की लेक्चर है जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है वो जरूर यहाँ पर लाइव आइएगा अभी रात के साढ़े दस बजे तो क्वेश्चन है कि विच बैंक हैज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंडिया किस बैंक ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन फाइनाइट इंडिया लॉन्च किया है आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा आईसीआईसी बैंक यानी कि आईसीआईसी बैंक ने विदेशी कंपनियों के लिए एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो भारत में अपना व्यवसाय स्थापित करने और उसके विस्तार करने की तलाश में है प्लेटफॉर्म जिसे इन्फिनेटी इंडिया कहा जाता है विदेशी व्यवसायों को बैंकिंग समाधान और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करता है आईडीबीआई बैंक की बात करें अगर हम लोग तो है इसका तो मुंबई और सीईओ कौन है राकेश शर्मा टैगलाइन से बैंकिंग फॉर ऑल आओ सोचे बड़ा आईटीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर का मुंबई और सीईओ कौन है तो बी विद्यानाथन और टैगलाइन है बैंकिंग हटके आईसीआई बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर का इसके मुंबई सीईओ कौन है तो संदीप बक्सी और टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका की इंड करें तो हेडक्वार्टर का पुणे और सीईओ कौन है तो सुमंत और से इसका मेक यू फील एचडीएफसी बैंक की बात करें तो, तो मुंबई इसका, तो इसका हेडक्वार्टर और शिधर जगदीशन और टैगलाइन क्या है, तो वी है कि 22, uh, 2100 लोन टू त्रिपुरा गवर्नमेंट यानी कौन सा संगठन त्रिपुरा सरकार को 2100 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा आंसर बताइएगा इसका क्या होगा विवेक जी एडीबी तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है विच ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोवाइड ट्वेंटी वन हंड्रेड करोड़ लोन टू त्रिपुरा गवर्नमेंट कौन सा संगठन त्रिपुरा की सरकार को 2100 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा अमन कुमार आईडीएफसी बैंक पीछे विवेक एडीबी अनुपराज एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको बता दें आंसर हो जाएगा एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रतिभा शर्मा जी ई नंबर तो एशियाई विकास बैंक एडीबी बांग्लादेश के सीमा से लगे पूर्वोत्तर राज्यों में शहर क्षेत्र और पर्यटन के विकास के लिए त्रिपुरा सरकार को इक्कीस करोड़ रुपए के ऋण प्रदान करने की संभावना है एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर कहा मंडा युलुंग फिलीपींस प्रेसिडेंट है, तो है मस्ताकू अस्कावा स्टेट त्रिपुरा की बात करें तो कैपिटल अगरतला चीफ मिनिस्टर है विप्लव कुमार देव और गवर्नर कौन है तो रमेश बायस नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का कि विच मिनिस्ट्री हैज फॉर्म द न्यू इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020 यानी किस मंत्री ने नया विद्युत नियम 2020 तैयार किया है पहला ऑप्शन है हरदीप सिंह पुरी दूसरा आर के सिंह तीसरा है गिरिराज सिंह चौथा है महेंद्र नाथ पांडे और पांचवा है रविंद्र किशोर सिन्हा तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन है कि विच मिनिस्टर हैज फ्रेम्ड द न्यू इलेक्ट्रिसिटी रूल्स टू थाउजेंड ट्वेंटी पीछे विवेक आर के सिंह ऑप्शन में हरदीप सिंह पुरी आर के सिंह गिरिराज सिंह महेंद्रनाथ पांडे रविंद्र किशोर सिन्हा तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच मिनिस्टर हैज फॉर्मड द तो न्यू इलेक्ट्रिसिटी रूल 2020 यानी किस मंत्री ने नया विद्युत नियम 2020 तैयार किया है अनुप्रज ई ई नंबर इसका आंसर हो जाएगा आर के सिंह इसका आंसर क्या हो जाएगा आर के सिंह यानी हम आपको बता दें कि देश भर के उपभोक्ता बिजली की आपूर्ति के लिए न्यूनतम मानक सेवा का अधिकार होगा इसे 24 घंटे बिजली की आपूर्ति का अधिकार शामिल होगा जब तक कि विशिष्ट श्रेणी के लिए नहीं कहा जाता जैसे कि कृषि कनेक्शन विद्युत और उपभोक्ताओं के अधिकार 2020 के नियम की अधिसूचना की घोषणा करते हुए ऊर्जा और नवीन नवीनीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आर के सिन्हा देश भर में विद्युत वितरण कंपनियां डिस्कॉम एक अधिकार है चाहे सरकारी या निजी या उपभोक्ता के पास कोई विकल्प नहीं है इसलिए यह आवश्यक था कि उपभोक्ता अधिकार के नियमों को रखा जाए और इन अधिकारों को लागू करने के लिए एक प्रणाली लागू की जाए ठीक शायद आप लोग इनको जानते होंगे ठीक राज्यसभा मेंबर है बिहार से तो अब हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं कल सुबह मैं आपको बता दूं कि कल जो है हमारा मैराथन का सेशन है तो सब लोग लाइव जरूर रहिएगा कोशिश रहेगी कि अक्टूबर नवंबर और दिसंबर इन तीनों महीने को कंप्लीट कर दिया जाए तीन तीन घंटे का सेशन रखेंगे एक छोटा छोटा ब्रेक लेंगे बीच में तीन 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 घंटे का यानी कि तीन तीन छः तीन नौ घंटे में हम आपको पूरा का पूरा अक्टूबर नवंबर और दिसंबर पढ़ाएंगे ठीक अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया तो आप ये लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा बेलाइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि हमारे क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहे अन आप आप फॉलो कर सकते हैं रवि प्रताप कर्ण के नाम से और आपको बता दें कि अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया वो जरूर ले लीजिएगा लर्निंग ऐप इंस्टॉल करते हैं मैंने गोल में जाइए गोल सेलेक्ट करिएगा बैंक रेलवे बीपीएससी यूपीएससी और मेरा रेफरल कोड आप जैसे यूज करेंगे आरपी के टेन आपको टेन तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा तो डिस्काउंट लेने के लिए मेरा रेफरल कोड जरूर यूज करिएगा क्या तो आरपी के टेन

और आर आर बी है तो इंग्लिश के ऑप्शन के बदले हिंदी भी आ जाता है तो मेंस की तैयारी के लिए लग जाइए थैंक यू थैंक यू